गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पिथौरागढ़ के साथ। तो हमारा एक नया टूर, नई यात्रा शुरू हो रही है अपने अनुपम दा के साथ। ये हमारे अनुपम दा, क्या हालचाल? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने गए थे, तो वो कहाँ के लिए था वो मैं आपको बता देता हूँ। आज से जो हमारा टूर शुरू हो रहा है आदि कैलाश ओम पर्वत का, तो वहाँ पे ट्रिप करने के लिए आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, साथ में इनर लाइन परमिट चाहिए होता है। तो ये दोनों फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो पिथौरागढ़ से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। फ्रंट सीट में हमारी घरवाली जी बैठी हुई है, कैसा लग रहा है? दाजू, आपको नाम किस है? जीवन। जीवन भाई आज हमारे सारथी हैं, जो कि हमें धारचूला तक छोड़ेंगे। तो फिलहाल हम पिथौरागढ़ से निकल रहे हैं। तो गाइस, शर्मा वाले रूट में अभी हम हैं और अभी हम रुके हैं यहाँ नाश्ता करने के लिए। मेरे ठीक सामने है धामी भोजनालय, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके बिरादरों का है। कुछ दूर आगे जाके चरमा है और चरमा में आर्मी की कैंटीन भी है दोस्तों। मेरे बड़बाजी वहीं दारू लेने के लिए आते थे। एक बार यहाँ पे परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर यहाँ शूटिंग पे आए थे। कौन सी मूवी थी वो? पिंकी की, संदीप फरार, संदीप पिंकी फरार। तो उस समय उस शूटिंग के दौरान परिणीति चोपड़ा ने यहाँ गहत की दाल खाई थी। ठीक है, तो ये इसी रेस्टोरेंट, कहाँ पर बैठे थे वो? नहीं बैठे थे रेस्टोरेंट का। तो गाइस, जौल जी भी पहुंच चुके हैं हम। काफी लंबे समय से यहाँ पे कौतिक लगते आ रहा है, जो कि नवंबर माह में अब लगेगा, ये 14 नवंबर के आसपास कौतिक लगता है। ठीक है, ये समूहों का क्वेश्चन भी है। आपको डर नहीं लगती है रोड में गाड़ी चला रही हूँ? देख लो कितने खतरनाक रोड है। आज आदि कैलाश जाएंगे, आदि कैलाश जा रहे हो? आपका घर भी तो यही होगा? हाँ, यही दार चला है हम लोग। हम देखते ना आपका यूट्यूब में वीडियो, बस लगनी है वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो में बड़ी। आप लोग तो कहीं बाहर भी गए थे ना, कहीं बीच में? हाँ, बाहर भी। हाँ, वो बाहर वाला भी देखा मैंने। तो फाइनली धारचूला पहुंच चुके हैं। हरी सिंह, जीवन सिंह, रेखा गुनिया, झलुआ मन्नू रोतेला, मेरा नाम देवकी, आर्या परवाना। होम स्टे में पहुंच गया दगड़ियों, और यहाँ होम स्टे में सबसे मस्त चीज मकाई है, स्विमिंग पूल लगी। गोवा में तो होती है ऐसी वाली कुर्सियां दगड़ियों। अपना रूम दिखाता हूँ मैं आपको। हमारा रूम नंबर 104 है और यहाँ मोहतरमा आए है, ये आप देख सकते हैं। बढ़िया ये ओयो वाले रूम बना रखे हैं दोस्तों। धारचूला को धारचूला क्यों कहते होंगे? बढ़िया फर्स्ट क्लास पहाड़ी खाना, पापड़, वाह। दिन के 2:30 बजे हमारा लंच हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, धारचूला मार्केट में अभी हम हैं। आदि कैलाश यात्रा में जाने से पहले हम थोड़ा सा अपने पड़ोसी देश के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारे बगल में काली नदी बह रही है, तो उसको पार करने के बाद नेपाल है। फाइनली SSB चेक पोस्ट क्लियर करने के बाद हम आ चुके हैं धारचूला नेपाल बॉर्डर में, और ये बॉर्डर बना रहा है पुल। नीचे आप देख सकते हैं, दो देशों की सीमा निर्धारित कर रही है नीचे बहने वाली नदी। आप कहाँ के हो? धारचूला के हो? धारचूला के हो? हाँ हाँ बिल्कुल। तो दगड़ियों, फाइनली हमें नेपाल में प्रवेश करी है। वहाँ है इंडिया, यहाँ है नेपाल। उस जगह का नाम है धारचूला और इस जगह का नाम है धारचूला। और ये हमारे बुबू, नमस्कार, कसा रामरो छा, इंडिया आए हो नहीं कभी? धारचूला गए हो नहीं कभी? धारचूला गए हो? धारचूला हम भी यहीं के हैं। हजूर रामरा या रामरा रामरा राम रामरो का मतलब क्या होता है? ठीक हो ना? मतलब बढ़िया बढ़िया। रामरो मतलब बढ़िया ना? रामरो बढ़िया। कस्तो उंचा तुमी, तिमी तिमी, कस्तो हिमले तिमी, कस्तो 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 मतलब कैसे हो आप? काठमांडू। हमारे जो उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र हैं और जो यहाँ नेपाल का जो कल्चर है वो बहुत मिलता जुलता है, तो पड़ोसी देश होने के नाते कल्चर में काफी समानताएं मिलती हैं। सीमांत क्षेत्र की जो हमारी कुमाऊनी भाषा है वो और नेपाली भाषा है बहुत सिमिलर है। हमरो यहाँ ब्यूटी पार्लर संबंधी संपूर्ण काम हरू
संतोषजनक रूप में गरिंचा। इसका मतलब ये है कि हमारे वहाँ ब्यूटी पार्लर में बहुत अच्छा काम संतोषजनक रूप में किया जाता है। साथे विहे को लागी दुल्ही को श्रृंगार गरिंचा। आपका वीडियो देखें। आप दारचूला से हो? दारचूला से हो? दारचूला से। क्या बात है। 1-2-3 चलता है स्कूल में या वाली चलती है? वाली भी चलती है, 1-2-3 भी चलता है। दोनों सिखाते हैं आगे बच्चों। अच्छा, और जो यहाँ की वो होता है, जो सन होता है, जैसे हमारे वहाँ 2024 लगा है, आपके वहाँ संवत के हिसाब से चलता है ना? 2081 जो वो हिंदू धर्म का जो पंचांग होता है उसके हिसाब से चलता। क्या बात है, असली ट्रेडिशन तो आप लोग फॉलो कर रहे हो यार। हमारा जो हिंदू धर्म का पंचांग है जो कि विक्रमी संवत पे चलता है, उस हिसाब से यहाँ का डेट तारीख गते सब डिसाइड होता है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चलता है, जैसे सन 2024 लगा हुआ है और अक्टूबर का महीना है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे विक्रमी संवत के हिसाब से चलता है। और महीनों को भी चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये ऑफिशियल है इनका। गिनती 1-2 वाली भी चलती है, लेकिन ऑफिशियली वाली चलती है जो हम बनाते थे, 7 ऐसा बनाते थे, 8 ऐसा बनाते थे वाली। बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू नेपाल, और इसमें बहुत सारी फोटोज लगी हुई हैं जो कि नेपाल के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ से 970 किलोमीटर दूर है, मुक्तिनाथ टेम्पल, रारार लेक, आहा कितनी अच्छी लग रही है यहाँ, ये क्या है, कन्यम इलम, बंदी मलिका पठान, करनाली ब्रिज, खटपड़ बाबा, भक्तपुर, लुम्बिनी भी नेपाल में है दोस्तों, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये डुंगरी माता का मंदिर है दारचूला में, उधर पशुपतिनाथ भगवान शंकर का मंदिर है नेपाल में। नमस्कार, और ठीक है, पहचानना है ने? पहचान लो नी, कितना वीडियो देखती हूं मैं, कैसी लगती है वीडियो? मैं अच्छा लगता हूँ, ये अच्छी लगती है, दोनों अच्छे हो। आप भी अच्छे हो। दो बार बोल दिया भाई, आ जाओ, आओ भी खींचो खींचो फोटो खींचो, आओ लाओ मैं खींच दूँ। नहीं मैं खींचती हूं आपका। हाय माय गॉड। हेलो गाइस, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप भी YouTube ब्लॉग बनाते हो, किस नाम से? दिशा गर्ब्याल ब्लॉग, इसमें बोल दो आप। दिशा गर्ब्याल ब्लॉग, दिशा गर्ब्याल ब्लॉग, धारचूला की बहुत ही फेमस ब्लॉगर हैं। जब मोदी जी आदि क्लास यात्रा पे आए तो स्पेशली इनको इनवाइट किया था उन्होंने, है ना, मोदी जी ने इन सेल्फी भी खींची थी तुम्हारे साथ। दिशा गर्ब्याल ब्लॉग सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना दादी। और हमारे साथ है डायमेंशन इनसाइडर के CEO मिस्टर अनुपम पंत जी, जो हमें अभी आदि कलश यात्रा पे ले जा रहे हैं, तो काफी अच्छा यहाँ पे अभी नेपाल भी घुमा के ला गए हैं। आप लोगों को भी आना हो तो अनुपम दास से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर वगैरह दे दूंगा आपको। मेरे दोस्तों को भी कराओगे ना? सबको, सब आइए, भोले की नगरी है ये, धारचूला की लोकल मार्केट, एक छोटा सा टाउन है धारचूला। नमस्कार, कैसे कैसे लगते हैं? चिमटी काट लो। आज आज ही पहुंचे आज। और इटा, मैं तो आपका फैन हूं बहुत। अरे धन्यवाद धन्यवाद। आपको यकार सांस जैसा क्या लगा है यार? पौन पहाड़ी हो ना आप, चिमटी काट के देख लो ना। सच में यार दादा, और क्या हो रहा है हाल चाल? बढ़िया यार, वीडियो देखते हो मतलब? है हाँ, मैं देखता हूँ आपका। आप यहाँ रहते हो या आप पार रहते हो? धारचूला रहते हो? धारचूला रहते हो? वैसे बागेश्वर का हूँ। अच्छा, यहाँ काम करते हो? हाँ, यहाँ पे आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आप से हो? ठीक है, शादी भी कर लिया आपने बेटा? नाम क्या है आपका? शिवानशी नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फिफ्थ में पढ़ते हो? धना मेरो नाम चुमा पहाड़ों की बांध, जादू रखी मेरी माया का सब परेशान। धना मेरो नाम चुमा पहाड़ों की बांध, जादू रखी मेरी माया का सब परेशान। तो दगड़ियो, राता 8 बज गई और हमर नेपाल में वापसी है गे दगड़ियो, और अब हम जा रहे हैं खाना खाने की। मैं घर वाली ले अस्पताल वाले कपड़े पहन ली दगड़ियो। यो होमस्टे नाम छो टूरिस्ट होमस्टे ना, शिवाय होमस्टे, टूरिस्ट होमस्टे। डिनर में दगड़ियो मिक्स साग छो, दाल छो, गर्मा गर्म रुआ छन।